अभी खबर यह है कि कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की वालिदा ने थाना नौलखा की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। आपको बताएं कि कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की वालिदा ने थाना नौलखा की नई इमारत का इफ्तिताह किया है और आज ही ये इफ्तिताह किया गया। ये पुरानी इमारत थी जिसको दोबारा से नई इमारत में तब्दील किया गया और इससे पहले यहाँ पर पुलिस के आला हुकाम जिनमें बी ए नासिर, CCPO लाहौर और इसके अलावा DIG ऑपरेशन वक्कास नज़ीर भी मौजूद थे, लेकिन इस इमारत का इफ्तिताह जो है वो कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की वालिदा से करवाया गया है। थाना नौलखा की नई इमारत का आज इफ्तिताह हुआ है। इस मौका पर पुलिस के आला हुकाम जिसमें CCPO लाहौर, BO नासिर और DIG ऑपरेशंस वक्कास नज़ीर भी मौजूद थे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख से। मुजाहिद, एक शहीद की वालिदा को ये एजाज़ दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने ये एक बड़ा मुनफरिद काम किया है और जो तकरीब थी इस पे CCPO लाहौर BA नासिर ने इस बात का भी ऐलान किया कि माजी में इस तरह से होता रहा है कि जब भी किसी नई पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह होता है तो वहां पर अफसरान के नाम की तख्ती लगा दी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये रवायत को खत्म किया जा रहा है और ये पहला जो नौलखा पुलिस स्टेशन है इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। शहीद की फैमिली से उनकी वालदा जो है वो इफ्तिताह करेंगी और उनके नाम की तख्ती लगाई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मजीद दो पुलिस स्टेशन और हैं इफ्तिताह किया जाना है और वो भी जो शहीद लाहौर पुलिस के अफसरानिया एहलकारों की फैमिली में से ही उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा, उनके नाम की तख्ती लगाई जाएगी। यहाँ पर कैप्टन मोबीन शहीद की वालदा जो है और उन्होंने सदारी तकरीब में जो है वो मेहमान उसी भी थी और वहाँ पुलिस अफसर नई इमारत का इफ्तिताह नए अज्म और नई रिवायत के साथ किया गया है। शुक्रिया मुजाहिद शेख।